बस न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा सा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। पूर्णिया पहुंचे बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने पूर्णिया में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लाई गई है, जिसमें लाभार्थियों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई टेक्सटाइल नीति से बिहार सरकार लोन लेने वालों को 10% ब्याज देगी। वहीं GST में भी उद्योग लगाने वालों को सरकार मदद करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति खेती योग्य जमीन पर उद्योग लगाना चाहे तो इसके लिए रजिस्ट्री शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार की सरकार कृत संकल्पित है और इसके व्यापक परिणाम आएंगे। ये तो सब जानते हैं कि बिहार में उद्योग और रोजगार का माहौल बन गया, काम शुरू हो गया है। इथेनॉल का प्लांट तो यही उद्घाटन पूर्णिया में हुआ था, 65 KL का। 65 KL के एक प्लांट बन गए पूर्णिया में। उसके बाद सिधौलिया में बन गया एक नया इथेनॉल प्लांट। गोपालगंज में एक इथेनॉल प्लांट बन गया जो काम कर रहा है। और साथ में देश का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट 5 लाख लीटर रोज का आरा में बन के तैयार है। आरा में का बा तो 5 लाख इथेनॉल के प्लांट बा। लोग बिहार के बारे में पूछते थे कि क्या होगा। बिहार में नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी आई, ये पर एम्प्लाई को 5,00,000 सब्सिडी देंगे, 10 करोड़ तक कैपिटल सब्सिडी देंगे, ब्याज में 10% तक ब्याज भी बिहार सरकार देगी, लोन कोई कितना ले ले। और यहाँ जो माल बना के हल्दिया पोर्ट भेजेगा तो समुंदर को भी नज़दीक किया है, वहाँ भी हम फ्रेट किराया हम देंगे, GST में मदद करेंगे। अगर कोई अब ऐसा हो गया है कि अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उस पर उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्री में कोई पैसे नहीं लगे, मतलब वो जो इंडस्ट्रियल का लगता था वो हो गया। तो कितना काम हो रहा है इस पर विचार कर रहे हैं परचेस पॉलिसी पे कि जो बिहार में। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।